वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि बादाम शांति आंवला जो है निहार का, इस तेल को आपको यूज़ करना चाहिए या आपको पैराशूट नारियल तेल को अपने बालों पे यूज़ करना चाहिए। इनमें से कौन सा बेस्ट है, कौन सा आपके बालों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, कौन सा ज़्यादा अच्छा है बालों के लिए, तो सारा आज मैं आपको बताऊंगी। तो ये देखिए, निहार शांति आंवला बादाम आंवला तेल है, तो इसमें बादाम और आंवला के गुण हैं बेसिकली इसके अंदर। और ये 20 रुपीज़ का है, इतनी बॉटल आप देख सकते हैं, सुपर सेवर पैकिंग है, तो काफ़ी इकोनॉमिकल है। और ये जो है नारियल का, ये मैंने पहले भी इसका काफ़ी रिव्यू आपके साथ किया हुआ है कि ये 40 रुपीज़ की बोतल है, तो ये ऑलमोस्ट डबल साइज से का है, तो रेट ऑलमोस्ट सेम है दोनों का, कुछ खास फ़र्क नहीं है। और इसके अंदर जो ग्रीन वाला तेल है निहार शांति या आंवला, इसके अंदर बादाम और जैसे मैंने बताया आंवला के गुण है, और इसके अंदर दूसरे वाले में नारियल के तेल, प्योर कोकोनट ऑयल है वो। तो जो आंवला विटामिन सी होता है बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, बालों की ग्रोथ के लिए मैन और वुमेन दोनों ही यूज़ कर सकते हैं ये तेल, तो इसके अंदर उसके गुण हैं। और जहाँ तक दूसरा है नारियल का तेल, ये भी बहुत अच्छा है बालों के लिए, बालों को हेयर फॉल प्रिवेंट करता है और बालों के लिए ओवरऑल इन हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है, तो ये भी लड़के और लड़कियां दोनों यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से है। और ये जो बादाम आंवला तेल है, इसका जो है ये ट्रैवल फ्रेंडली है क्योंकि इसे लीक नहीं होती पैकिंग में से तेल, और इसमें से हो जाता है तेल, बट इसकी आप लंबी बॉटल वाली पैकिंग ले लें उसमें से नहीं होता, इस करके और देखा जाए तो ट्रैवल फ्रेंडली दोनों है। बट ये वाली नारियल के तेल की बॉटल है, जो इसकी दूसरी वाली लंबी वाली बॉटल है, आप वो लें तब वो ट्रैवल फ्रेंडली है। और ये देखिए, इस तरह से ग्रीन कलर का है, ये दूसरा कलरलेस है, मतलब इसका कोई कलर नहीं है इसका, जो आपका जो है नारियल का तेल। और फ्रेंड्स, एक चीज़ ज़रूर है कि जो इसको मैंने जब यूज़ किया, दोनों की चिकनाई भी सेम है, बालों को अच्छे से ऑयल करते हैं, बट जो इसकी स्मेल है ग्रीन वाला जो है निहार शान, इसका फ्रेंड्स स्मेल बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो मेरे को लगता है बच्चों को आपको नहीं इसको यूज़ करना चाहिए। हालांकि कंपनी ने कोई ऐसे बैन नहीं किया, बट मुझे पर्सनली लगता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो हो सकता है किसी के सिर को चढ़े, तो आप एक बार इसको थोड़ा टेस्ट कर लें फिर इसको ट्राई करें। बट ये जो है जो नारियल का तेल है, ये आप बच्चों पे बेझिझक यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा तेल है, बड़े भी यूज़ करें, बच्चे बुज़ुर्ग सब यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल देखा जाए दोनों ही तेल बालों के लिए बहुत बहुत अच्छे हैं, बालों की ग्रोथ के लिए, लेंथ के लिए, हेयर फॉल के लिए भी बहुत अच्छे हैं, और काफ़ी हद तक डैंड्रफ भी इससे कंट्रोल होती है, तो मैं दोनों ही तेल आपको रिकमेंड करूँगी। बट हाँ, ये जिसकी इसकी स्मेल थोड़ी तेज़ है मुझे लगी, ग्रीन वाला ये जो तेल है निहार का शांति आंवला का, तो ये आप थोड़ा पहले एक बार छोटी पैकिंग लेके टेस्ट कर लें, फिर उसके बाद ही ट्राई करें। वैसे ओवरऑल बालों के लिए बहुत अच्छा है, बाल घने भी होते हैं इससे, मैंने ट्राई बहुत किया है तब मैंने ये रिव्यू बनाया है। और दूसरा जो है नारियल का, वो तो खैर बहुत ही ज़्यादा अच्छी उसकी खुशबू है, तो बस यही डिफरेंस है, तो इस करके मैं नारियल का तेल ज़्यादा प्रेफर करूँगी। इसको मैं 5 में से 5 ही दूँगी नारियल के, बट जहाँ तक बादाम शांति आंवला इसका निहार शांति आंवला तेल, तो मैं इसको 5 में से 4.5 पॉइंट्स दूँगी जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स स्मेल, बाकी सब ठीक है दोनों तेलों में। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स, ये था इन दोनों का रिव्यू और डिटेल्स, और मैं उम्मीद करती हूँ आपको सब क्लियर हो गया होगा कौन सा आपको ख़रीदना चाहिए। तो चलिए, कैसा लगा आपको वीडियो बताएं ज़रूर, मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।